हम अपने जमाने के इतने डेंजरस चाकू थे कि जो गब्बर सिंह नहीं था है? वो मैं पोछा करने आता था। वैसे कहाँ सीखा? क्या इतना लंबा लंबा फेंकना? सुनो, तुम लोग अभी नया आया, पता नहीं तुम लोग को अभी खाना खाने गए हो कि भेड़ों पर लाइन लगाई होगी। ये है पौआ हमारा। तो आप इतने वीआईपी कैदी कैसे पकड़े गए? बेटा ये हमारी ससुराल है, आना जाना लगा रहता है। 5 बार सुरंग खोद के आज भाग चुके। यहाँ सुरंग खोदी ही नहीं जा सकती। कोई नहीं खोदी जा सकती क्योंकि ये दूसरा खंड है, यहाँ खोदोगे तो पहले खंड पे गिरोगे। अबे बकरी शक्ल के व्यक्ति, सुरंग नीचे खुदी है। लेकिन तुम तो यहाँ रहते हो, नीचे सुरंग कैसे खुदी? अपने आप की चूहा लगा दूती। चूहा नहीं लगा, वहां चेले चपाटे मेरे काम करने के लिए। ये चेले तो पता है पर चपाटे क्या होता है? चमाट जानते हो? हाँ चमाट तो जानते हैं, बहुत अच्छे जानते हैं, वो तो रोज का हमारा, पर चपाटे नहीं जानते। तो बेटा जो हमारा चमाटा पड़ता है ना, इस गांव में चमाटा पड़ता है, उस गांव में चपाटे का मीनिंग लिख के आ जाता अपने आप। वैसे डाकू भैया बुरा ना मानना, जब हम स्कूल में थे तो हमारे एक चुटकुला बहुत चलता था कि जितने डाकू होते हैं वो सब जो है अपने जो डाकू शब्द है उसका उल्टा होते हैं। समझ जाओ। बेटा हमारा नाम है सुलेमानी झंटा, मार देगा कंटा, उलर के फिर से बैठ जाओगे। चलो अच्छा हो, उलर के बैठ तो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। उलर के तो बैठोगे ना तो सारे दांत मेरे बिखरे मिलेंगे और रीढ़ की हड्डी गुर्दे धंसी मिलेगी। चलो ठीक भैया, डर गए तुमसे, बहुत बहुत डर गए। अच्छा वैसे एक बात बताए, जब हम जेल आ रहे थे तो हमको लगा जेल में बड़ी दिक्कत होती है, कितना मजा रहता है, मजा ही आ रही है ना बाबा? अरे बस मजा ही मजा है, मौज लेते रहो, ज्ञान देते रहो। अब बाबा कोई सर, तब तो गेट खोल लेते होगे। हम गेट भी खोल लेते हैं, हम पेट भी खोल लेते हैं। पेट कैसे खोल लेते हैं? जैसे हिरण्याकश्यप का खुला था। क्या हिरण्याकश्यप? क्या हिरण्याकश्यप? हिरण्याकश्यप नहीं, पहली बुद्धि मतलब क्या होता है? खाना वाला आया मुंह से जुबानी काल, खाना वाला आया मुंह से जुबानी काल, खाना वाला आया मुंह से जुबानी काल। मुंह धर दे और कल जुबान निकाले। अरे मार करो भैया, बेल की रोटी खाओ, कैसे डरे। बहुत सही, धट तेरे की, खाने की बर्बादी हो गई। निकल लो ने, तुम्हारी बर्बादी कर देंगे यहीं पे। एकदम पगले है का? अरे कोनो नवा हुआ है? अरे हम लोग से वैसे भी का मतलब, हम लोग तो 6 महीना में छूट रहे हैं। हाँ छुट्टी होने वाली है, रेल का डिब्बा खाली है। वैसे हम अपना प्लान सेट कर लिए हैं, हम तो बाहर जाके आल्टो कार ले रहे हैं, हम हुंडई कार ले रहे हैं, हम फॉर्च्यूनर कार ले रहे हैं, हम फरारी कार ले रहे हैं। तुम बाबा तुम कौन सी कार ले रहे हो? हम डकार ले रहे हैं। अच्छा हमसे पूछे हम हुंडई कार काहे ले रहे हैं? काहे? काहे कि हुंडई कार में गुंडई करब आसान होता है। वैसे गुंडई तो सबसे ज्यादा बाबा किए होंगे है ना? कौन से ज्यादा गुंडाई किए होंगे? मुटकाऊ किसको बोल रहे हो? तुमको बोल रहे हो 50 किलो तोल लिए बैठा है। और तो 50 किलो तोल लिए बैठे तो तुम्हारे ऊपर थोड़ा बैठे हैं। कम बोला करो नहीं तुम्हारा वाला डायलॉग तुम्हें धरेंगे। हाथ लगा के देखो, अच्छा उठा के देखो, दीवार चीज को बाहर गिरोगे ही नहीं नाते हुए। खाली बात है केवल, अब कुछ ना रहे ना, अब कहीं ना फेंक फेंका बोलेगा डाकू हन डाकू हन। खाना वाला आया मुझे जुबान मत निकाल, खाना वाला आया मुझे जुबान मत निकाल,
बेकार हो गया लेकिन जुबान मत निकाल। ये गाना तुम अगली बार तो नहीं गाओगे समझे? काहे? ठीक है अच्छा, ले अच्छा खाना खा। धक्त तेरे की, खाने की बर्बादी हो गई। बर्बादी बम बनाना जाकुवन फिर को जाके, प्लेट भी फेंके जाके। हाँ तुम भी कूद जाना उसी में। वैसे कोई कह रहा था श्रीलंका भारत के नीचे है। हाँ तो अगर वो भारत के नीचे है तो यानी यहाँ से हम लोग सुरंग खोदे तो श्रीलंका पहुंचेंगे। यहाँ सुरंग नहीं खोद सकती है, दूसरा खंड है। लेकिन फिर भी अगर नीचे से खोदेंगे तो श्रीलंका पहुंचेंगे। हाँ श्रीलंका पहुंचेंगे। तब तो वीजा लेके जाना पड़ेगा सुरंग में। हाँ वीजा लेके जाना पड़ेगा। बता रहे इसके बाद ज्यादा ज्ञान होता है, ज्ञान बांटता है कि लोगों में हुकुम बनाता है? तो तुम बता दो ना तुम्हारे पास ज्यादा ज्ञान। अरे हमारे ज्ञान तो सबसे ज्यादा हमारे पास है। अरे हमारे पास ज्ञान हो या ना हो लेकिन हमने आज तक कभी किसी अज्ञानी की बेइज्जती नहीं की। और ज्ञान पोका तो बिल्कुल नहीं। क्या कर रहे हो उसी तरह से ज्ञान नहीं पोक रहे हो? हाय भैया, अगर आज एक बार भी हमने ज्ञान पोका हो तो यही धरती फट जाए, यही समाज है। फटी नहीं धरती है तुम्हारा पजामा थोड़ी तो कहर पड़ जाएगी। पजामे से याद आया कलम ने नीचे भूत देख लिया था तो हम फिर भागे बहुत तेज। ये बात तुमको पजामे से याद आई? अरे अब समझ जाया करो। लेकिन जब भूत देखा भागे बहुत तेज। भूत अगर दिख जाएगा तुम भाग के कर क्या लोगे? तुम इधर भागोगे वो फिर चट्टा तुम खड़ा हो जाएगा, तुम उधर भागोगे वो फिर चट्टा तुम खड़ा हो जाएगा, कर क्या लोगे तुम भूत के सामने? मतलब है भूत दिखे तो भागो नहीं भाई, पलती माँ कटिया बिचार सो जाओ उसी सामने। बस चलो दो चार आदमी और बुला लो भाई, बुलाऊंगा करो तो अगली बार इनका पकड़ ले जाओ, वही के सामने कहीं दियो खड़ा। इधर देखो मटको, यही काट देंगे। काटोगे कैसे जब ये दूसरा खंड है? दस बार बता चुके यार, दूसरा खंड, दूसरा खंड, दूसरा खंड, मत जाओ उसी दूसरे खंड में। काट देंगे ना तभी पहले खंड में गिरा जाके। यहाँ सब लोग जो है कहते कि लात मार देंगे, लंदन गिरोगे जाके, समंदर पार गिरोगे जाके, मंगल ग्रह पे गिरोगे जाके। ठीक है पहले खंड में गिरोगे जाके। हाँ तो प्रैक्टिकल बातें करते हैं। भाई प्रैक्टिकल बातें कर लेते हैं, दीवार तीर के बाहर फेंक दे कितनी प्रैक्टिकल बात है। उलट के बैठा देंगे रीढ़ की हड्डी गुर्दे फिट जाएगी, कितनी प्रैक्टिकल बात है। बड़े हैं प्रैक्टिकल बैच कराती हन चंगा आदमी। ये प्रैक्टिकल कर लेते हैं। गाना नहीं गा रहे, खाली धुन गा रहे। नहीं तुम गाना भी गा लो, नाच भी लो, मुजरा भी कर लो। अरे खाना खा लो, मुजरा कर कर। कहाँ गए हो? तेरे की खाने की बर्बादी हो गई।